बच्चों अगर अपन ये बात करें कि जो अपना बी डॉट डी एल जो होता है हमारे पास बी डॉट डी एल और इसका लाइन इंटीग्रेशन, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट इनटू समिश आई से। लेकिन बच्चों ये तब एप्लीकेबल है जब हमारा आई क्या है, आई हमारा टाइम वेरिंग नहीं है, आई कांस्टेंट करंट है और नॉट टाइम वेरिंग करंट। लेकिन अगर टाइम वेरिंग करंट आ जाए तो ये लॉ इनकम्प्लीट हो जाता है, लॉ इज इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट व्हेन करंट बिकम्स टाइम वेरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहां से कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ऐसा समझते हैं, ठीक है, ये हमने कैपेसिटर ले लिया और यहां पर हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। तो यहां से अगर हम करंट की बात करते हैं तो ये करंट होगी हमारी आई, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक कंपास रख दूं तो वो कंपास डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर यहां पर हम एक कंपास रख दें तो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर एक कंपास हम यहां पर भी रखें, ठीक है, यहां पर भी रखें, तो वो भी क्या दिखाएगा, एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहां तो जस्टिफाइड हो जाता है, क्या जस्टिफाइड हो जाता है कि भाई यहां ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर मैं एक एम्पियर लूप बनाऊंगा यहां पर तो वो एक करंट को एनक्लोज दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई, ठीक है, यहां पर भी हमने कंपास रखा, कंपास सी टू will also show the deflection. जबकि हम जानते हैं अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, क्लियर है क्या भाई, ये तो आपका है ना फ्री मीडियम है, यहाँ तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, करंट तो यहाँ से फ्लो हो रही है, फिर इधर से करंट ऐसे फ्लो होकर यहाँ आ रही बैटरी के अंदर, सो नो करंट हियर। कौन सी करंट नहीं है अगर मैं बोलूँ आपको, तो दैट इज कंडक्शन करंट, नो कंडक्शन करंट। लेकिन अगर आप ढंग से देखो, अगर आपने कंपास रखा है तो ये भी डिफ्लेक्शन देता है, तो लेटर वन एम्पियर सॉरी मैक्सवेल कंप्लीटेड दिस लॉ बाय एडिंग अ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, बट अब लिखेंगे अगर हम, तो इसको ऐसे लिखेंगे बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समिशन आई, और ये समिशन आई जो हो जाएगा अब आपका वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट करंट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई प्लस एफ्लुएंस जीरो डी फाइ बाय डी टी, ये फाइ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट आपकी एफ्लुएंस जीरो डी फाइ ई बाय डी टी होती है। तो ये क्या टाइम वेरिंग करंट है, अगर हम बताएं तो यहाँ पर क्या है, टाइम वेरिंग करंट है, क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, टाइम वेरिंग करंट। तो अगर टाइम वेरिंग करंट है तो यहाँ पर हमारा एम्पियर लॉ वैलिड नहीं होगा, इसके लिए हमें इसमें एक करेक्शन करना पड़ेगा, जो कि मैक्सवेल सब ने सजेस्ट किया था हमें, दैट विल बी आई डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, ऑल द बेस्ट।